फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जैसा देख सकते हैं बैकग्राउंड में, मैं किचन में हूँ। अभी से मैं अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज है संडे और दोपहर के बज रहे हैं 3। और आज जो है हॉस्टल पर नहीं आई थी, जिसकी वजह से मैंने अभी बर्तन वगैरह वॉश किया है, खाना बना लिया है और अभी आई हूँ। मैं नहा धो करके फिनिश हो चुका है सारा काम, थोड़ी सी छत पे जाऊँगी, खाना खा लिया है हमने। और अभी एक लोहे की कढ़ाई खरीदी थी मैंने कुछ दिन पहले, जब मैं गई थी ना देवघर अपने ससुराल, तो वहाँ पर लोहे की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है, तो वहीं से मैंने इसको बाय करके लाया था। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि यदि स्टिकर चिपका हो ना आपके नई वाली कोई भी बर्तन में, तो उसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकाल रही हूँ मैं। तो ये मैंने कढ़ाई नई वाली ली है, उसमें देखिए ये है, और ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया। और ये पानी जब गर्म होगा ना, तो अपने आप ये जो इसके अंदर जो गम लगा होता है ना, वो देखिए वो ना पानी से, पानी गर्म पानी के साथ वो पिघल जाएगा, जिसके कारण देखिए कितनी आसानी से सारी छूट चुकी है और ये अपने आप ही निकल गया। तो यदि आपको भी कभी निकालना आसान ना हो, तो ये ट्रिक सभी को आती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है माइंड काम नहीं करता है और हम बस ऐसे ही निकाल देते हैं और मेरी सारी जो बर्तन है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये ट्रिक आपके साथ भी शेयर करूँ, इसलिए मैंने ये ट्रिक शेयर कर दिया है। तो उसके बाद स्टिकर निकालने के बाद इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है सर्फ के साथ, और यहाँ मैं इसको सूखने के लिए रख दी हूँ। ये सूख चुका है, अब मैं इसमें सबसे पहले मीठा कुछ बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने सूजी का हलवा बना रही हूँ और इसमें मैं दूध के साथ बनाऊँगी, पानी के साथ नहीं बनाऊँगी। तो ये देखिए घी गर्म हुआ, सूजी डाला, अच्छे से भून जाने के बाद इसमें मैं चीनी और दूध के साथ बना रही हूँ। तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में, आप लोग भी बनाते होंगे, नहीं बनाते हो तो एक बार बना करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी आता है, टेस्ट अच्छा आता है इसका। और बस ये हलवा मेरा बन चुका है और ये अभी शाम का टाइम है, तो लंच करने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किया, उसके बाद ये हलवा बना करके हम लोग खाने वाले हैं। उसके बाद रात को हम लोग जाएंगे पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो इसके लिए रात के डिनर की तैयारी मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, चूँकि हस्बैंड लंच लेकर के मॉर्निंग में ऑफिस जाएंगे। तो इसके लिए सुबह सुबह मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाता है उठ करके काम करना, चूँकि तबीयत सुस्त है और बहुत ज़्यादा जोरों की ठंड पड़ रही है यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने चना जो डाला है उसको मैं बनाऊँगी, लेकिन रात को बनाऊँगी जब पिज़्ज़ा खाने के बाद लौटूँगी उसके बाद। तो ये देखिए मेरा सूजी का हलवा जो है बन करके रेडी हो चुका है, और बस इसी तरह से इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा, क्योंकि दूध है इसमें। तो बस इसको धीमे धीमे चला रही हूँ धीमे आंच पे, और बस बहुत अच्छे से सूजी पक के रेडी हो जाएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में बची हुई जो दूध है उसको भी मैं गर्म कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए शाम का जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही यमी हो गया हमारा। ये देखिए यहाँ पे मैंने चना जो है वो पानी में डाल करके इसको फूलने के लिए रख दिया था, और ये मेरा हलवा तैयार। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेडरूम में, जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ। 8:30 बज चुका है, तो बहुत ज़्यादा बाहर ठंड है, लेकिन कार में उतनी ठंड नहीं लगती है। तो वही हम लोग जा रहे हैं और तैयार हो रही हूँ, बच्चों को भी तैयार करती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
और ये देखिए बाहर हल्की हल्की धुंध पड़ी हुई है। ठंड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अच्छा लगता है कभी कभी वीकेंड में बाहर थोड़ा सा निकल जाने के बाद सारा वीक फिर अच्छा लगता है। तो हम लोग डोमिनोज़ पहुंच चुके हैं, ये मेरे घर से लगभग 10-15 मिनट की दूरी पे है और यहीं पे ऑलवेज़ हम लोग आते हैं। जब अभी कोरोना पीरियड चल रहा था, जब कभी पिज्ज़ा खाने का मन होता था तो हम लोग ऑर्डर भी कर सकते लेकिन घर जाते ही ठंडी हो जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग कार में ही बैठ करके खाते थे। लेकिन आज यहाँ पे ऊपर हस्बैंड जा कर के देखे हैं कि ऊपर में काफ़ी लोग नहीं हैं, कोई नहीं था, बिल्कुल खाली था, तो फिर हम लोग ऊपर ही जा कर के खाए और पिज़्ज़ा को इंजॉय किए। तो चलिए चलते हैं ऊपर और आपके साथ शेयर करती हूँ कि ऊपर में कैसा है, और थोड़ा देर बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकले हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए ऊपर आ गए हम और यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट ऊपर की गई है और जो पिज़्ज़ा डो वगैरह तैयार होती है वो नीचे तैयार होती है। तो वही हम आ गए हैं और जब तक पिज़्ज़ा नहीं आता है तब लोग हम लोग खूब सारी सेल्फी फ़ोटो सेशन किया बच्चों के साथ, खूब इंजॉय किया देखिए, और बस उसके बाद पिज़्ज़ा आया और हम लोगों ने पिज़्ज़ा इंजॉय किया। तो वही देखिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ी सी फ़ोटोज़ जो हमने वहाँ पर क्लिक किया था बहुत दिनों बाद। तो सेल्फी टाइम ओवर, हमारा पिज़्ज़ा आ गया है, तो चलिए पहले पिज़्ज़ा को एंजॉय करते हैं, मिलती हूँ थोड़ी देर में। बहुत ज़ोर की भूख लगी और पिज़्ज़ा देख करके तो भूख और भी बढ़ जाती है ना, तो चलिए एंजॉय करते हैं। तो चलिए बहुत सारी सेल्फी और पिज़्ज़ा को एंजॉय करते हुए हम लोग अब चलते हैं घर, मिलती हूँ वापस घर जा कर के। तो यहाँ पे आप घर आ चुकी हूँ मैं और ये देखिए मैंने हेयर को ट्राई कर लिया और आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाने हैं चने और आते साथ ही मैंने बॉयल होने के लिए डाल दिया था तो बॉयल हो चुका है। और इधर मैं इसके लिए मसाला तैयार कर रही हूँ, इसमें आलू और चना मिला करके बनाऊँगी और सुबह का ये ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ, ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सुबह सुबह बहुत दिक्कत होता है इसलिए मैं अभी ही प्रिपेयर करके रख रही हूँ। जो है बन गया है सुबह का ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली मैंने, पूड़ी का आटा बना के रख दिया और आलू चना की सब्जी अच्छे से बना के रख दिया है। कुकर नहीं खोला है, कुकर सीटी अभी लगा और मैं बंद करके चली आई बेडरूम में। तो बस अभी बज रहे रात के 11:30 और अब मैं बस रेस्ट करूँगी, सारा दिन का रूटीन आपके साथ शेयर किया और अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और बच्चे भी अभी टीवी देख रहे थे, क्योंकि यदि मैं कुछ बनाती और हस्बैंड भी ऑफिस का काम कर रहे हैं तो इसलिए मैंने भी अपना काम कर लिया, तो हमारा भी सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी है और सुबह मुझे ज़्यादा मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैंने अभी ही प्रिपेयर कर लिया। तो चलिए ऐसा रहा मेरा आज का संडे और बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, थैंक यू सो मच, आपने पीहू का जो एनुअल प्रोग्राम के दौरान जो नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था एरोबिक्स की, उसमें जो उसने गोल्ड मेडल लाई थी वो वीडियो मैंने शेयर किया और आप लोगों ने बहुत ढेर सारा ब्लेसिंग्स और प्यार दिया, दिल से शुक्रिया आप सबको, ऐसे ही मेरा साथ बनाए रखें। और मेरा एडसेंस पिन भी आ गया, वो भी आज आपके साथ शेयर किया और आप लोग के मैसेज आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस की, तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही अपना साथ और अपना सपोर्ट बनाए रखें।
फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो फिर से एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।